हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे लगभग 70% लोग कृषि पर ही निर्भर है। और यदि हम उन सभी लोगों की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी समस्या है रासायनिक खाद और दवाइयाँ। जी हाँ, वर्तमान में जिस प्रकार से खेती से किसानों का मोह भंग हो रहा है उसका एकमात्र कारण रासायनिक खेती ही है। प्राचीन काल में जब हमारे पूर्वज जैविक आधार पर खेती करते थे तब कम खर्च में उत्पादन भी अच्छा मिलता था और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। और अब की बात करें तो कृषि में अत्यधिक रासायनिक खाद और दवाई के इस्तेमाल से जमीन बंजर बनने लगी है, उत्पादन भी कम हो गया है और खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। हमारी सरकार भी इसी मामले में अब सतर्क हो गई है। केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें भी अपने स्तर पर किसानों को इसी बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि किसान जैविक पद्धति के आधार पर ही कृषि कार्य करें। दोस्तों, अब इन परिस्थिति में आपको यह जानकर खुशी होगी कि एक स्वदेशी कंपनी पिछले 13 सालों से हिंदुस्तान में किसानों की इन सारी समस्याओं को दूर करने में अपना योगदान दे रही है। जी हाँ, और इस कंपनी का नाम है नेटसफ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, नेटसफ ने 2003 में ही हिंदुस्तान में जैविक क्रांति लाने के मकसद से बायोफिट नाम से कुछ प्रोडक्ट की रेंज तैयार की थी और इन सभी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से किसानों को कृषि में शानदार रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी प्रोडक्ट के बारे में आगे बात करने वाले हैं। यारो, नेटसफ कंपनी की पूरी प्रोफाइल और उसके बिजनेस प्लान के लिए मैंने अलग से ही एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे भी बाद में देख सकते हो, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं बायोफिट प्रोडक्ट्स की। इस प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र और सिक्किम में है। सन 2003 में सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग और उनकी सरकार ने सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट में बदलने का संकल्प लिया, जिसके बाद 2016 में अपनी नीतियों और प्रयासों से सिक्किम दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक राज्य घोषित हुआ और वहां पर भी ज्यादातर बायोफिट प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। बायोफिट प्रोडक्ट्स की यह रेंज बनाई है डॉक्टर अभय फड़के ने, वे हमारे देश के कृषि साइंटिस्ट है। उन्होंने जमीन में से निकलते पौधे पर 45 साल से संशोधन किया है, कौन सी वनस्पति में कौन से तत्व है और कौन से पौधे पर कौन सी जैविक चीजें इस्तेमाल करने से उसका अच्छा विकास किया जाता है, ये सब उनके संशोधन है। डॉक्टर अभय फड़के ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने नीम की पेटेंट इंडिया को वापस दिलाई थी। उन्होंने ही ये बायोफिट रेंज की प्रोडक्ट बनाई है। यह सारी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, हम किसी भी फसल पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके इस्तेमाल से उत्पादन में मिनिमम 25-40% की बढ़ोतरी होती है। तो यारो, इन बायोफिट की प्रोडक्ट्स में से सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीम रिच की। स्टीम रिच में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, बायो स्टिम्यूलेंट्स और साइटो हॉर्मोन्स एड किए गए हैं। अब ये सभी कंटेंट फसल पर कैसे काम करते हैं यह जानने के लिए हम वनस्पति की प्रोसेस को ही समझते हैं। किसी भी फसल के पौधे के लिए ये प्रोसेस एक समान ही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी पौधे को विकसित होने के लिए पानी और मिनरल्स की जरूरत होती है जो वो अपने जड़ों के माध्यम से जमीन से लेता है। उसके बाद वो सूर्य प्रकाश की मौजूदगी में पत्तियों में रहे हरित द्रव्य के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। उस वक्त उसे कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है जो वो हवा से लेता है और बाद में ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऐसी प्रोसेस बार बार करने से उनमें फल दाने आदि बनते हैं। तो यदि हमें अच्छी फसल, अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा चाहिए तो इन सभी चीजें फसल को सही वक्त पर और सही मात्रा में देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी फसल के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। इनमें से सनलाइट, पानी, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड आदि तो नेचुरली ही मिल जाते हैं, लेकिन मिनरल्स, माक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि PGR और बायो स्टिम्युलेटर्स की सही टाइम पर सही मात्रा में आवश्यकता होती है। यदि ये सभी चीजें
खाद एवं जमीन के माध्यम से फसल को मिलती रहेगी तो ही हमारी फसल अच्छी होगी और हम ज्यादा उत्पादन पा सकेंगे। अगर हम स्टीम रीच की बात करें तो उनमें साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, फ्लोरिजन जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मौजूद है और ह्यूमिक एसिड, स्वीड एक्सट्रैक्ट, फोलिक एसिड, एंजाइमर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जैसे बायोस्टिम्युलेंट भी मौजूद है। मार्केट में आपको दूसरी कई सारी कंपनियां मिलेगी जो ये सभी चीजें अलग अलग बेचती है, लेकिन नेटसर्फ ही एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सभी कंटेंट को मिलाकर स्टीम रिज को तैयार किया है। तो दोस्तों, अब आगे यह देखते हैं कि स्टीम रिज का इस्तेमाल हमें कैसे और कब करना है। सबसे पहला स्टेज है सीड जर्मिनेशन, यानी कि बीज उपचार में हमें स्टीम रिज का इस्तेमाल करना है। स्टीम रिज की मदद से हम किसी भी प्रकार की फसल का बीज उपचार कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 10 से 15 ml स्टीम रिज डाल के बीज के ऊपर बारीक छिड़काव करें। बहुत ज्यादा गीला नहीं करना है और उसके बाद 20 से 30 मिनट तक आप उसे छांव में रहने दो, फिर आप उसकी बोनी कर सकते हो। ऐसा करने से बीज का अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन 90 से 92% होता है। आप किसी भी बीज के पैकेट पर पढ़ लो, उनके ऊपर सीड जर्मिनेशन 60-70% ही लिखा हुआ आता है, पर जब हम उन बीज का स्टीम रिज से उपचार करते हैं तो उनका जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण बढ़ के 90-92% तक हो जाता है। अब आगे, जब हमारी फसल लगभग 3 से 5 पत्ते की हो जाती है तब उस पर स्टीम रिज का पहला छिड़काव करना है। जब हमारी फसल 10 से 15 दिन की होती है तब उनमें 3 से 5 पत्तियां आ जाती है, उस दौरान स्टीम रिज का स्प्रे करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आपको 15 लीटर पानी के साथ 15 ml स्टीम रिज लेना है और पंप से स्प्रे करना है। ऐसा करने से स्टीम रिज में मौजूद ऑक्सिन हमारे फसल की जो सफेद जड़ें होती है उनकी संख्या को बढ़ाता है। कोई भी फसल में 2 टाइप की जड़ें होती है, एक होती है मेन जड़ जो फसल को सपोर्ट देने का काम करती है और दूसरी होती है सफेद जड़ें जो जमीन में से पानी, मिनरल्स, माक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आदि को खींच के फसल को देने का काम करती है, जिससे फसल को सही मात्रा में पानी और न्यूट्रिशन मिलने लगेगा। इससे पत्तों की साइज बढ़ेगी, पत्तों में हरापन बढ़ेगा जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी और इससे फसल की ग्रोथ और अच्छी होगी। नेक्स्ट, दूसरी बार स्प्रे तब करना है जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है, जिससे फसल का वेजिटेटिव ग्रोथ होता है यानी कि ज्यादा से ज्यादा टहनियां निकलती है और फसल में जितनी ज्यादा टहनियां रहेगी उतनी ही हमारी फसल स्ट्रॉन्ग बनेगी और उसमें ज्यादा फूल और फल आएंगे। आगे का स्प्रे हमें फ्लावरिंग स्टेज में करना है। जब फसल में फ्लावरिंग होता है, फसल में फूल और कली लगने की अवस्था होती है, तब हमें तीसरा स्प्रे करना है। ऐसा करने से फूलों की संख्या बढ़ेगी और स्टीम रिज फूलों को गिरने से भी रोकता है। आगे चौथा स्प्रे ग्रेन फिलिंग और फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज में करना है, यानी कि जब फसल में दाने भरने या फिर फल बनने की शुरुआत होती है उस अवस्था में हमें स्टीम रिज का चौथा स्प्रे करना है। ऐसा करने से फूलों में से फलों का कन्वर्जन ज्यादा होगा, दाने फलों की साइज बड़ी होगी, उसकी चमक, टेस्ट, कलर आदि सब अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह फसल की पूरी सीजन के दौरान आपको स्टीम रिज का 3 से 4 बार ही स्प्रे करना है और हर बार स्प्रे करते वक्त आपको 15 लीटर के पंप में पानी के साथ 15 ml स्टीम रिज मिलाना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बायो 95। फ्रेंड्स, हम जब भी कोई कीटनाशक या रासायनिक दवाई मार्केट से लाते हैं तो उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि ये दवाई पेट्रोलियम बेस है, यानी कि इस दवाई में तेल की मात्रा है और उस दवाई की सोल्युबिलिटी यानी कि उसकी घुलनशीलता भी उसके ऊपर लिखी हुई मिलेगी। आमतौर पे वहाँ 70-80% लिखा हुआ आता है। इसका यह मतलब होता है कि ये दवाई पानी में 70-80% ही घुलेगी।
इसी कारण से जब भी हम कोई कीटनाशक और रासायनिक दवाई पंप में पानी के साथ मिलाते हैं तो वह पानी में अच्छी तरह से घुलती नहीं है, और उसके बाद जब हम उसका स्प्रे फसल पर करते हैं तो कुछ जगह पर पानी गिरता है और कुछ जगह पर केमिकल गिरता है। अब ऐसा होने से हमें जो कीट या रोग को हटाना था वो पूरी तरह से नहीं हटेगा, और इसके लिए हमें बार बार स्प्रे करना पड़ता है, और इसी तरह हमारा दवाई का खर्च बढ़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यदि हम 15 लीटर के पंप में कोई भी कीटनाशक या दवाई के साथ 5 ml बायो 95 डालेंगे तो वह एक मिक्सिंग एजेंट का काम करता है। इससे पानी और दवाई 100% मिक्स हो जाती है और दवाई की कार्यक्षमता भी बढ़ जाती है। इसीलिए हमें एक बार स्प्रे करने से ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, और इस तरह दवाई के पीछे होने वाला हमारा खर्च भी कम हो जाता है। बायो 95 के इस्तेमाल से दूसरा बेनिफिट यह मिलेगा कि कोई भी दवाई फसल पर अच्छी तरह से स्प्रेड होगी और वह पत्ती पर चिपकी रहेगी, यानी कि बायो 95 स्टिकिंग और यूनिफॉर्म स्प्रेडर का भी काम करता है। नॉर्मली हम कोई भी कीटनाशक का छिड़काव फसल के पत्तों के ऊपर ही करते हैं, और आपको तो यह बात मालूम ही होगी कि ज्यादातर कीड़े पत्तों के नीचे के भाग पर होते हैं, लेकिन हमारी दवाई ऊपरी भाग से नीचे तक पहुंचती ही नहीं है। लेकिन जब हम उनमें बायो 95 का इस्तेमाल करेंगे तो वह कोई भी दवाई को ऊपर से नीचे तक पत्तों के सारे भाग में फैला देता है, और इससे दवाई की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी और फसल को कीट और रोग से मुक्ति मिलेगी। बायो 95 प्रोटेक्शन का भी काम करता है। जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तब बायो 95 फसल को सूर्य के यूवी किरणों से भी प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड्स, बायो 95 एक सहायक का काम करता है। हम इसे पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या किसी भी दवाई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसे स्टीमरीज के साथ भी इस्तेमाल करना है, यानी कि हम जब भी पंप से फसल पर स्प्रे करने जाते हैं तब हमें उस पंप में 15 लीटर पानी के साथ 5 ml बायो 95 लेना ही लेना है। अब हमारा आगे का प्रोडक्ट है NPK। दोस्तों, किसी भी फसल को अच्छी तरह से विकसित होने के लिए 14 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिनमें से 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। यहाँ पे माइक्रो का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में लगने वाले न्यूट्रिएंट्स, और माइक्रो का मतलब होता है कम मात्रा में लगने वाले न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर शामिल है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट में आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, निकल और मोलिबियम शामिल है। पहले के टाइम में इनमें से ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स हमारी जमीन में मौजूद थे, लेकिन अब रासायनिक खाद के इस्तेमाल से इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी है। आज के जमाने में रासायनिक खाद यानी कि ज्यादातर यूरिया और DAP का ही इस्तेमाल हो रहा है। यदि हम यूरिया की बात करें तो उसकी बोरी पे लिखा हुआ होता है कि 46% नाइट्रोजन, जिसका मतलब यह होता है कि यदि हम 100 kg यूरिया लेते हैं तो उनमें से 46 किलोग्राम ही नाइट्रोजन होता है और बाकी का 54 किलोग्राम मटेरियल बिन उपयोगी होता है। जो हमारी जमीन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को मिटा देता है और क्षार को ऊपर खींचता है, इसीलिए हमारी जमीन धीरे धीरे क्षार वाली और बिन उपजाऊ होने लगती है। अब ऐसी सिचुएशन में NPK ही एक ऐसी प्रोडक्ट है जो नेचुरल तरीके से जरूरी न्यूट्रिएंट्स फसल को दे सकता है। यहाँ पे N, P और K तीनों अलग अलग बोतलें हैं और इन तीनों में नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं। यदि मैं N की बात करूँ तो इनमें अजोटोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो जमीन और हवा में से नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके फसल को देने का काम करते हैं। आपको शायद मालूम ही होगा कि हवा में 78% नाइट्रोजन मौजूद है, तो ये अजोटोबैक्टर बैक्टीरिया हवा में से भी मैक्सिमम नाइट्रोजन खींच के फसल को देते हैं। इसी तरह पी के अंदर फॉस्फरस सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं और के अंदर
पोटाश सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये जमीन में से फॉस्फरस और पोटाश को एब्जॉर्ब करके फसल को देने का काम करते हैं। एनपीके का सीएफयू यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट 10 की 12 घात है, जिसका आम मतलब यह होता है कि इसके 1 ml में 10 की 12 घात बैक्टीरिया यानी कि 1,00,000,000,000 बैक्टीरिया मौजूद है। अब हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो हम एन पी के तीनों को एक साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। जब भी एन पी के का इस्तेमाल करें तब जमीन में नमी होना अति आवश्यक है। आप एन पी के को ड्रिप्स के माध्यम से दे सकते हो, इसे ड्रिंचिंग के माध्यम से भी दे सकते हो और खेत में खुले पानी में भी इसे दिया जाता है। इस दौरान आपको 2 एकड़ के लिए एन पी के तीनों को 1-1 लीटर यूज करना है। यदि आप ड्रिंचिंग करते हो तो आपको 15 लीटर के पंप में एन पी के तीनों को 15 ml से 30 ml तक की मात्रा लेनी होगी। फसल जब 15 से 30 दिन की होती है तब इसका पहला डोज दिया जाता है और उसके 25 से 30 दिन बाद एन पी के का दूसरा डोज दिया जाता है। हम एन पी के साथ दूसरे जैविक खाद, सेंद्रीय खाद, गोबर के खाद आदि भी यूज कर सकते हैं। यदि कोई किसान अब तक रासायनिक खाद यूज करता आया है और इस साल से वो एनपीके का इस्तेमाल शुरू करता है तो उसको इसके साथ रासायनिक खाद का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करते जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई किसान हर साल 10 बोरी रासायनिक खाद यूज करता था और जब वो एनपीके का इस्तेमाल शुरू करता है तो उसको पहले साल 6 बोरी ही यूज करना है, दूसरे साल एनपीके के साथ 4 बोरी यूज करना है, तीसरे साल 2 बोरी और चौथे साल 1 बोरी। ऐसा करते करते 4 साल के बाद वो 100% जैविक खेती पर आ सकता है। इस दौरान किसान भाइयों को ये खास ख्याल रखना है कि एनपीके और रासायनिक खाद को कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। इन दोनों के बीच में कम से कम 5 से 7 दिन का गैप रखना अति आवश्यक है। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है शेट। शेट यानी कि सोइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, जिसका आम मतलब होता है जमीन की हेल्थ को अच्छा बनाना। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें काफ़ी सारे बायोस्टिम्युलेंट्स ऐड किए गए हैं। फ्रेंड्स, हमने आगे भी बताया था कि ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, फोलिक एसिड, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी चीज़ें बायोस्टिम्युलेंट्स है जो फसल को ग्रोथ करने में मदद करते हैं। इनमें फसल के लिए जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल है। यह एक स्टीमरिज के जैसा ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। किसी भी फसल में इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आप चाहे तो स्टीमरिज, शेट और बायो 95 को मिला के उसका छिड़काव भी कर सकते हो। शेत के अंदर मौजूद बैक्टीरिया खेत के जैविक कार्बन लेवल को बढ़ाते हैं और वे खेत के भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रॉपर्टी को विकसित करने का काम करते हैं। आप इसे एनपीके के साथ 2 एकड़ में 1 लीटर की मात्रा में भी दे सकते हैं। शेड को आप जमीन में और पंप से स्प्रे के द्वारा दोनों तरीके से दे सकते हो। जमीन में देने के लिए इसकी मात्रा 2 एकड़ में 1 लीटर की है, जबकि 15 लीटर के पंप के साथ आप इसे 15 से 30 ml तक यूज कर सकते हैं। आगे का हमारा प्रोडक्ट है इंटेक्ट। फ्रेंड्स, अब तक हमने जो सारी प्रोडक्ट्स की बात की थी वो सारी फसल को विकसित करने के लिए जरूरी चीजें जैसे कि मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, बायोस्टिम्युलेंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स देने वाली प्रोडक्ट्स है। लेकिन ये प्रोडक्ट यानी कि इंटेक्ट फसल का रक्षक है, जो फसल को सकिंग पेस्ट यानी कि रस चूसने वाले कीटकों से बचाती है। वैसे देखा जाए तो एफिड्स यानी कि हरे मच्छर, लीफ हॉपर्स यानी कि तीड़, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मक्खी, बीटल्स, माइट्स यानी कि मकड़ी, ये सभी सकिंग पेस्ट है जो हमारे फसल के शत्रु है। जब इनका अटैक होता है तब वे कीटक फसल में से रस चूसते हैं और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इंटेक के इस्तेमाल से हम इन सभी सकिंग पेस्ट से फसल को बचा सकते हैं। यह एक 100% इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इनमें कई तरह के नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल किया गया है और इसमें एल्डिहाइड, कीटोन्स, टर्पेंट्स,
एंड अल्कलॉइड्स को भी नेचुरल तरीके से ऐड किया गया है। ये सभी कंटेंट की वजह से ही जब हम इंटेक का छिड़काव करते हैं तब कीटकों के अंडे नष्ट हो जाते हैं। यदि एक बार भी ये दवाई कीटकों के डंक में घुसती है तो वे उसके खाने की क्षमता को नष्ट कर देती है। इंटेक के छिड़काव से पत्तों के टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाते हैं। इसी वजह से ही कोई भी कीटक फसल से दूर भागते हैं। जब कीटकों की संख्या 30-40% से ज़्यादा हो जाती है तब उसे नष्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पॉजिटिव रिजल्ट को पाने के लिए इंटेक का इस्तेमाल शुरू से ही करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो हर 15 दिन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको 15 लीटर के पंप में 30 ml इंटेक लेना है और एक फॉइलर स्प्रे यानी कि पत्तों को भिगा दे ऐसा स्प्रे करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है रैपअप। यह एक 100% जैविक और नेचुरल फफूंद नाशक प्रोडक्ट है। जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो फसल पर एक कोटिंग तैयार होता है और वह किसी भी फंगल और वायरस को अंदर दाखिल होने से रोकता है। जब ज़्यादा बारिश होती है और उसके बाद जब धूप निकलती है तब खेत में और फसल पर फफूंद डेवलप होने लगती है। तो यदि हमने रैपअप का पहले से ही इस्तेमाल किया रहेगा तो हमें यह समस्या नहीं आएगी। यदि कोई किसान फफूंद आने के बाद भी इसका छिड़काव करता है तो 48 आवर्स में सारी फफूंद नष्ट हो जाएगी। फसल पर छिड़काव करने के लिए 15 लीटर के पंप में आप इसे 30 ml तक इस्तेमाल करें। आप इसे स्टीमरीच और बायो 95 के साथ भी यूज कर सकते हैं। जमीन के अंदर जड़ों में फंगल को रोकने के लिए आप इसे पानी के साथ जमीन में भी दे सकते हैं और ऐसे वक्त आप एक एकड़ में 1 लीटर रैपअप इस्तेमाल करें। यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको रैपअप और शेड को कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा आप बाकी की सभी प्रोडक्ट का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा आगे का प्रोडक्ट है एनकाउंटर। यह एक नेचुरल चारामार दवाई है। नेटसफ ने अभी तक इसे मार्केट में लॉन्च नहीं किया है। वैसे देखे तो कंपनी अभी इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है। बहुत जल्द ही ये मार्केट में अवेलेबल होने वाला है। यह एक नॉन सिलेक्टिव प्रोडक्ट है यानी कि इसको फसल और चारा में कुछ भी अंतर मालूम नहीं रहता है। आप जिसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल करोगे इसे यह नष्ट कर देगा। इसलिए आपको सिर्फ चारे के ऊपर ही इसका छिड़काव करना है। यह एक 100% जैविक और नेचुरल चारामार दवाई है। इसके इस्तेमाल से खेत को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, बायोफिट की एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली सारी प्रोडक्ट्स की जानकारी यहाँ पर खत्म होती है। अब इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ बातें जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि जब भी आप पंप इस्तेमाल करें तो उससे पहले आपको उसे अच्छी तरह से गर्म पानी और साबुन से साफ करना है। दूसरी जरूरी बात, आप जब फसल पर बायोफिट प्रोडक्ट के साथ साथ केमिकल दवाई और खाद का भी इस्तेमाल करते हैं तब उसमें कम से कम 5-7 दिन का गैप अवश्य रखें। बायोफिट प्रोडक्ट्स को किसी भी रासायनिक खाद और दवाई के साथ इस्तेमाल नहीं करना है। कभी कभार बायोफिट प्रोडक्ट के शेड्यूल एवं इसकी मात्रा में जमीन, एटमॉस्फेयर और फसल के हिसाब से कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं। यारो, मेरा तो यह मानना है कि यदि कोई किसान इन सारी प्रोडक्ट्स का सही वक्त पर और सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो उसे 100% रिजल्ट मिलेगा ही। ये सारी प्रोडक्ट्स आपको अच्छे डिस्काउंट में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आसानी से मिल सकती है। आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो और इसके माध्यम से एक अच्छी इनकम भी कमा सकते हो। प्रोडक्ट्स एवं बिजनेस की इंक्वायरी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने सुझाव और एक्सपीरियंस कमेंट में लिखें और यदि अब तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में रहे बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।